अलैकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। पैदल सफ़र उकाड़ा से मक्का मुकरमा का आज डे 43 है। रात को हम नुसरत आबाद में रुके थे, जामिया मस्जिद में। ये आप लोग पीछे मस्जिद देख रहे हैं जहां पर हम लोगों ने स्टे किया था। नुसरत आबाद में हमारा कोई भी जो है वो जानने वाला नहीं था। आप इधर खाली साहब खड़े हैं, खाली साहब के साथ आप इब्राहिम भाई देख रहे हैं। ये हमें कल मिले थे और जब इन्हें पता चला जी कि हम जो है उकाड़ा से मक्का पैदल जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा जी कि नुसरत आबाद में आप मेरे मेहमान बने और मस्जिद में जो है वो मैं आपको ठहराऊंगा। और मस्जिद में इन्होंने हमारा काम क्याम करवाया और उसके बाद ये घर से खाना वगैरह भी लेकर आए जी। इनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। उनके साहब यहाँ मस्जिद के इमाम साहब हैं जी, उनकी मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया। इन्होंने दूध वाली चाय जो है वो बनाकर पिलाई है, काफ़ी दिनों के बाद जो है वो दूध वाली चाय पी है। इब्राहिम भाई और इमाम साहब का बहुत शुक्रिया। उसके साथ जो है ज़ीशान भाई भी खड़े हैं। तो अभी जो है वो अब हम नुसरत आबाद से अपना सफ़र जो है वो शुरू करने लगे। ये नुसरत आबाद गांव है जहां पर रात को जो है वो हम लोगों ने मस्जिद में स्टे किया है और अब जो है वो यहां से सफ़र जो है वो शुरू किया हुआ है। गांव ये छोटा नहीं है, गांव तो देख के जो है वो काफ़ी ये बड़ा जो है महसूस होता है। और यहां पर जो है वो काफ़ी घर जो हैं वो मौजूद हैं। तो अभी जो है वो हम गाँव से बाहर निकल रहे हैं और बस इसके करीब ही जो है मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा दूरी जो है वो मेन हाईवे है। से 2375 किलोमीटर जो है वो अभी रहता है। पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल करीब आ चुके हुए हैं और अगर आप लोग ये पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है जी कि 10 किलोमीटर तक जो है ये जो आपको बना हुआ नज़र आ रहा है बोर्ड पे, ये पता नहीं 12 सिंगा तो नहीं है, पता नहीं जी 2 सिंगा है 4 सिंगा है। बहरहाल ये 10 किलोमीटर तक जो है उनका कहना है कि कहीं से भी निकल के जो है वो सामने आ सकता है। तो बहरहाल जी अल्लाह ख्याल करें, देखते हैं क्या बनता है। दरख्त चेक करें जी, पहाड़ के ऊपर जो है लगा हुआ है। हालात तो इसके खिजां से भी खिजां वाले हैं लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक टिका हुआ है। देखें जी कब तक टिका रहेगा, उम्मीद तो है कि ये टिका रहेगा। और बाकी पहाड़ी सिलसिला जो है वो शुरू है और 10 किलोमीटर तक तो पहाड़ी सिलसिला है। आगे जाके देखेंगे जी कि 10 किलोमीटर के बाद भी आगे पहाड़ तो होंगे लेकिन हो सकता है कि पहाड़ जो है। सफ़र जारी है और करीब वाला पहाड़ी सिलसिला जो है
वो भी जारी है, साथ साथ है। और अगर आप कभी ज़िंदगी में पहली मर्तबा बलूचिस्तान आएँ और बलूचिस्तान को अगर आप आकर देखें तो आप हैरानों परेशान होंगे कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इतना वीराना है, इतने इतने किलोमीटर्स तक जो है वो कोई चीज़ नहीं मिलती है, कोई आबादी जो है वो नहीं आती है। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान के बाद ईरान में दाखिल हो जाएं तो फिर जो है वो आप बलूचिस्तान को भी भूल जाएंगे और आप फिर कहेंगे कि नहीं नहीं बलूचिस्तान के अंदर तो फिर भी जो है वो कोई ना कोई मस्जिद, कोई लेवीज़ की चेक पोस्ट या कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है कि जहाँ पर जो है वो आप रेस्ट कर लेते हैं या रात जो है वो गुजार लेते हैं। तो ईरान में जो ये सिलसिला है कई कई किलोमीटर्स तक जो है वो कुछ भी नहीं आता है और फिर 150, 180, 200 किलोमीटर्स के बाद जाके कोई इनका शहर, कोई आबादी जो है वो आती है। सामने चेक करें ये दरख्त जो है वो कितना नहायत जो है वो खूबसूरत लग रहा है, पहाड़ी सिलसिले के दरमियान दरख्त जो है नहायत खूबसूरत, और पहाड़ी सिलसिला जो है वो भी जारी है और सफ़र जो है वो भी जारी है और बस चलते जा रहे हैं जी और चलते ही जाना है। साइड पास टनल, आगे टनल आ रही है, वो आ गई है जी सामने टनल, और टनल अब बड़ी कितनी है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, ये आगे पहुँच कर ही पता चलेगा। टनल जो है वो बिल्कुल छोटी सी है और सामने से मुझे रोशनी आती हुई भी नज़र आ रही है जिससे अंदाज़ा हो गया था कि छोटी सी टनल है। से निकले हैं तो सामने दूसरी टनल है लेकिन ये पहले वाली टनल से भी छोटी सी टनल है। टनल्स का सिलसिला जो है शुरू हो गया है, अभी दूसरी टनल में हूँ तो सामने जो है वो तीसरी टनल जो है वो नज़र आ रही है। देखते हैं जी कि तीसरे के बाद की और टनल भी है कि बस ये। चेक करें पहाड़ के पीछे पहाड़ है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कोई किस तरह का है और कोई किसी तरह का है, और वही लंबा रोड है जी और सफ़र जो है जारी है। शाम हो चुकी हुई है और हम लोग जो है वो फारज पहुंच चुके हैं, और फारज जो है ये लगता तो शहर ही है पर देखते हैं जी कि शहर जो है ये अब कितना बड़ा है, छोटा है या क्या हिसाब है, तो आपको दिखाने की जो है वो कोशिश करते हैं जी। जितना हम भी देखेंगे उतना जो है वो मैं साथ साथ आपको भी दिखाऊंगा। आगे चलते हैं।